गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेज। टुडे वी शैल स्टडी पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। यानी जिस सेंटेंस से कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन एक्सप्रेस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद फाइनाइट वर्ब। ये हमेशा किससे शुरू होता है? फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है। फाइनाइट वर्ब, व्हाट मीन बाय फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब जो आपके बदल जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द वर्ब विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। लाइक ओपन द डोर, ओपन द डोर, देख सकते हो इसमें ओपन क्या है? फाइनाइट वर्ब है। कम हियर, फाइनाइट वर्ब है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन से इट ऑलवेज बिगिंस विद फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट इसमें छुपा रहता है। यू जो होता है छिपा होता है, जैसे ओपन द डोर। यू ओपन द डोर नहीं होता है, ओपन द डोर मतलब हम जिसको बोलते हैं कहते हैं वो क्लियर हो जाता है। सो क्लियर? नाउ ऑन दस यू कैन टेल इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एक्सेट्रा। इट ऑलवेज बिगिंस विद फाइनाइट वर्ब। क्लियर? लेट्स स्टार्ट द रूल। रूल नंबर फर्स्ट, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज कमांड आर ऑर्डर, कमांड आर ऑर्डर। यदि इम्परेटिव सेंटेंस कमांड हो या ऑर्डर हो, जैसे ऑर्डर देते हैं ना, तो कैसे शुरू होता है ये देखेंगे हम। लेट्स स्टार्ट इट। इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज कमांड, उसका रूल क्या होगा? सबसे पहले लेट होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू नो वेल, सब्जेक्ट नहीं रहता है या डूवर नहीं रहता है तो बाई का भी यूज नहीं करेंगे हम। लाइक एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखो स्ट्रक्चर, देखो लेट, सबसे पहले लेट हम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द डोर, द डोर इज ऑब्जेक्ट। सो लेट द डोर, देन बी, बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओपन इज द फर्स्ट फॉर्म, ओपन इज द सेकेंड फॉर्म। तो लेट द डोर बी ओपन, यानी इस तरह की इस स्ट्रक्चर पे आप फॉलो करोगे उसको। अनदर एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ ग्लास ऑफ वाटर ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर देख सकते हो, शुरू किसे करना है? लेट, तो यहाँ पे हो गया लेट, ऑब्जेक्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी, बी हो गया यहाँ पे थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। क्लियर? नेक्स्ट रूल, इफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेज एडवाइज, एडवाइज होता है, सलाह किसी को हम देते हैं, तो इसमें हमेशा हम शुड बी का यूज करते हैं। शुड बी देख सकते हो, शुड बी का यूज होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई लाइक लव योर कंट्री, इट इज एडवाइज कि यू शुड लव योर कंट्री। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? योर कंट्री, तो योर कंट्री, देन शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लव इज अ फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म लव, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प, यहाँ पे क्या है? हेल्प इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द पुअर इज ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर? या एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हों कि एडवाइज है, एडवाइज है या कमांड है या ऑर्डर है, तो अगर इस तरह से अगर आप अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑर्डर या एडवाइज, तो आप रूल नंबर फर्स्ट या सेकंड कोई भी कर सकते हो। जैसे अगर आप जैसे दिया लव योर कंट्री, आप इसको भी ऐसे बना सकते हो कि लेट द
कंट्री बिलव्ड, आप इसको भी ऐसे बना सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन जब आप कंफ्यूज हो कि क्या है, क्लियर ना हो उससे, क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस इज इन नेगेटिव, अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो क्या करेंगे। लुक हियर, नेगेटिव मतलब यू नो वेल, नॉट लग जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है आपका, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, लाइक डोंट टच द वायर, डोंट टच द वायर, ऑब्जेक्ट क्या, पहले लेट लगा देंगे यहाँ पे, लेट लगा, लेट द वायर ऑब्जेक्ट हो गया ये, देन नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टच क्या फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म कर देंगे टचड, तो लेट द वायर नॉट बी टचड, क्लियर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर्थ, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद प्लीज और काइंडली, यदि इंपरेटिव सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, जिसको हम रिक्वेस्ट, यानी हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तभी हम प्लीज या काइंडली लगाते हैं, किसी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तभी प्लीज या काइंडली लगेगा, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस की स्टार्टिंग हम यू आर रिक्वेस्टेड से करते हैं, प्लीज या काइंडली को हम हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली ऑमिट हो जाता है, और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू लग जाता है और फिर भी वन, यानी इसको हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं, यानी भी वन के पहले हम टू लगा देते हैं, वो बन जाता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव बोलें या हम डायरेक्ट लिख दें कि रिक्वेस्टेड टू, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, लाइक काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, काइंडली इज अ रिक्वेस्टेड, तो काइंडली इज रिप्लेस बाय यू आर रिक्वेस्टेड। अभी मैंने बोला काइंडली या प्लीज को हटा देंगे और उसके जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, फिर इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, यानी टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट, यानी काइंडली हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अनदर एग्जाम्पल, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, एक्टिव वॉइस क्या, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, अनदर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू, और उसके बाद डिस्टर्ब मी। अब देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन देखो ई जे मार जो भी आर दिया हुआ है, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड आ गया है, और यहाँ पे इन्फिनिटिव होता ही हमेशा कि इन्फिनिटिव हम वर्ब भी वन के पहले हमेशा टू लग जाता है, तो इन्फिनिटिव हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट रूल, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस इज इन इंट्रांजिटिव वर्ब, लुक हियर, व्हाट डू मीन बाय इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, यानी ये क्लियर नहीं है, वायर हो रहा है, ये कौन स्टैंड अप होगा, कहाँ जाना है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट न दिया रहता, वो इंट्रांजिटिव होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यू आर आर्डर या यू आर एडवाइज लगाने के बाद हम टू लगा देते हैं, इन्फिनिटिव यूज होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखो स्टैंड अप, स्टैंड अप, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा इंट्रांजिटिव है, तो स्टैंड अप इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जैसे आई टोल्ड यू, ये स्टार्ट होगा यू आर आर्डर या एडवाइज से, तो यहाँ पे आर्डर दिया जा रहा है, यू आर आर्डर टू स्टैंड अप, यू आर आर्डर टू स्टैंड अप, गो देयर, ये देखते हैं, गो देयर, ये भी इंट्रांजिटिव है, यू आर आर्डर टू गो देयर, वर्क हार्ड, ऐसा सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पे, तो हम इसको यू आर एडवाइज कर देंगे, आपको एडवाइज दिया जा रहा है कि वर्क जो है आप थोड़ा हार्ड करो, तो यू आर वर्क, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, क्लियर। नेक्स्ट रूल देखेंगे, इफ द इंपरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद लेट, यदि मान लो सेंटेंस ही लेट से शुरू हुआ हो, यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे,
उसका स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट डूअर ही रहता है यहाँ पे प्लस एक्सेट्रा। जैसे लेट हिम कम्प्लीट द वर्क, ये किससे शुरू हुआ है? लेट से शुरू हुआ है। तो लेट से शुरू होता है तो अभी ये करेंगे, लेट लिखेंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसका? द वर्क है। क्या ऑब्जेक्ट है? द वर्क, लेट द वर्क, उसके बाद बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम्प्लीटेड। ओके, लेट हिम कम्प्लीट द वर्क, व्हाट्स ऑब्जेक्ट हियर? द वर्क। द स्ट्रक्चर इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू डूअर। तो लेट द वर्क, द वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम्प्लीट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो थर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लीट कम्प्लीटेड बाय हिम। हिम यहाँ पे दिया ही हुआ है, बाय लगा देंगे कि उसके द्वारा ना कम्प्लीट किया जा रहा है, यानी उसको उसके द्वारा वर्क को पूरा करने दो। अनदर एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। द मैटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर क्या है? लेट, यहाँ लेट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट क्या है? द मैटर, द मैटर हो गया। देन बी, बी लग गया। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिस्कस, डिस्कस द फर्स्ट फॉर्म हियर, तो डिस्कस, लेट द मैटर बी डिस्कस। क्लियर? और एक रूल और है, एक तरीका और होता है जो इट इज सजेस्टेड लगा के बनाते हैं। जब इट इज सजेस्टेड होता है तो क्या करते हैं हम? शुड लगा देते हैं, यानी सब्जेक्ट लगा के शुड लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यानी अस क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अस का अस ऑब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वी। अगर यहीं मी रहेगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, अगर यहीं पे हिम रहेगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई ही। इस तरह से ये सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे शुड है इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी, यहाँ पे देख सकते हो वी यानी अस का वी हो गया है, अस ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे हम क्या है? सब्जेक्ट है। तो इट इज सजेस्ट दैट वी शुड वर्क टुगेदर। अनदर एग्जांपल, लेट अस गो टू सिनेमा, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू सिनेमा। क्लियर? एक और लास्ट रूल देखते हैं। अगर पैसिव वॉइस जो हो इनडायरेक्ट मोड में हो, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखो, अगर वही इनडायरेक्ट स्पीच में कमांड हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइज हो या ऑर्डर हो, तो क्या करेंगे? यदि स्ट्रक्चर अगर इस तरह होता है, सब्जेक्ट हो प्लस आस्क प्लस टे, आस्क हो या टेल हो या रिक्वेस्ट हो या उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला कि जो ऑब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इन्फिनिटिव हम पहले की तरह यूज करते रहेंगे वहाँ पे, जो इन्फिनिटिव है यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता ही होता है। जैसे देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। आई रिक्वेस्टेड हर, एग्जांपल देखो, आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी। तो जस्ट आई टोल्ड यू दैट कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो वहाँ पे आई रिक्वेस्टेड हर, ये हर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। जैसे अभी मैंने बताया, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी है, हर है, हर का सी हो जाएगा, ही मैं तो ही हो जाएगा। तो इसे देख सकते हो, हर दिया तो सी हो गया यहाँ पे, तो सी रिक्वेस्टेड, जैसे आई रिक्वेस्टेड है, ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज या वर लगा देंगे यहाँ पे, सी वाज, थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, और ये अभी मैंने कहा इन्फिनिटिव को वैसे में लगा देंगे टू मेक टी। अनदर एग्जांपल, ही टोल्ड हर टू वेट आउटसाइड, हम बस इतने का ही बनाएंगे, याद रखना इतने का ही बनाएंगे, ही टोल्ड हर, तो ही टोल्ड हर, ये हर का क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में बताया गया होगा आपको कि हर काम सी कर देते हैं, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है,
तो यहाँ पे हर का हो जाएगा सी, सी वाज टोल्ड, और उसके बाद ये हम इस सेम रख देंगे सी वाज टोल्ड टू वेट आउटसाइड। क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो बस यहाँ इसका हम इतना बना देंगे, इतना ही बनाएंगे, बाकी हम उसको वैसे ही रख देंगे। मी यू नो बेल, मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, तो आई वाज एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम, बस इतना का ही बनाएंगे, बाकी जो इन्फिनिटिव के हम उसी तरह रख देंगे हम। दैट्स ऑल।